हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखेंगे HTML डिव टैग। द डिव एलिमेंट इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट दैट इज़ ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट। जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं, HTML के टैग्स होते हैं, काफ़ी सारी हमारी चीज़ें होती हैं, उसको कंटेन करना है एक बॉक्स में, तो उसके लिए हम डिव टैग का यूज़ करते हैं। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और देख लेते हैं क्या होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल स्ट्रेच आउट टू द लेफ्ट टू द राइट लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप आ रहे डिव टैग है, डिव टैग तो आप अभी स्टार्टिंग है। जो पी टैग है हमारा, पैराग्राफ टैग है या फिर हेडिंग टैग है, तो पैराग्राफ टैग क्या करता है, स्टार्टिंग से लेकर लेफ्ट से लेकर राइट तक आपका स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच मतलब कि ये पूरा पी टैग स्ट्रेच नहीं हो जाता, मतलब इसका मतलब है कि आपका जो आप दूसरा अगर पी टैग लिखेंगे वो तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, आपकी वो पूरी लाइन वो कवर कर लेता है, ब्लॉक को पूरा कवर कर लेता है। तो यही चीज़ें आपका डिव टैग भी करता है। और डिव टैग का यूज़ क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें यूज़ में आ जाएँ। डिव एलिमेंट यूज टू ब्लॉक स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट। कंटेंट पूरा आपका लिखा हुआ है, काफ़ी सारे आपका कंटेंट लिखा हुआ है, उसको आपको ब्लॉक करना है एक डिव टैग में। और डिव टैग में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, चीज़ें और समझ में आ जाएंगी आपके। जैसे आपका ये है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है डिव टैग। अभी एक यहाँ पर क्या करा है आपने, ये पूरा आपका जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपके पास एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास, मैंने ये क्या करा है, यहाँ पे कॉपी करा है इसे और उसके बाद इसे पेस्ट करा, और यहाँ पे आपका डिव टैग है। तो ये जो आपके पूरे एलिमेंट्स हैं, दो पैराग्राफ और एक हेडिंग, तो ये दो पैराग्राफ और हेडिंग को मुझे पूरा ब्लॉक करना है एक कंटेनर में। और उस कंटेनर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं कलर इसका मैंने कर दिया है ब्लू, तो उसका कलर ब्लू कर दूंगा तो सारा सबका कलर ब्लू हो जाएगा। देखते हैं कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। आपका फाइल जो है वो मैं सेव करूँगा, इसको मैं करूँगा TEST टेस्ट 39.html। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट 39 दे सकते हैं या फिर कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, बस .html लगाना ज़रूरी है ताकि ये फाइल HTML में कन्वर्ट हो जाए। उसको बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ओपन हम इसे किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। हम इसमें गूगल क्रोम में यूज़ कर रहे हैं इसे। ये लोडिंग होगी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर अभी लिखा हुआ है आगरा, और ये आपका पूरा कंटेनर अभी आपका यहाँ पर ब्लू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ आ रही हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलर ब्लू, और हम देख लेते हैं कि कवर कलर ब्लू चल क्यों नहीं रहा है यहाँ पर। ये आपका डिव टैग हो गया। इसके बाद STY स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे हम स्टार्टिंग कलर कलर लगाएंगे, कलर के बाद कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ब्लू, ठीक है, ब्लू लिखने के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये पूरा ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से हम पूरा इसे ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा हमने यूज़ करा था कि फॉन्ट फैमिली या फिर फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है तो फॉन्ट साइज़ आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि हमारा 20 है, 20 पिक्सल देना है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो सबका साइज़ हमारा 20 पिक्सल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 पिक्सल्स हो चुके हैं इसके। बाकी जो इसका है ये इसके हिसाब से सेट हुआ है, हेडिंग के हिसाब से। तो इस तरह से हम
सारी चीज़ों को एक बार में चेंज कर सकते हैं डिव टैग का यूज़ करके। अभी तो हमारा हो गया डिव टैग का, अभी हमें कुछ एक लाइन को चेंज करना है, तो हमारा डिव टैग इसमें यूज़ नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा आपका पूरा एक लाइन पूरा ले जाता है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा टैग है, उसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पैन। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।